नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर के नई बस्ती स्थित सचेंडी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने कैंप में आकर अपने अपने शारीरिक समस्याओं की जांच कराई। कैंप में आने वाले के लिए हर प्रकार की जांच की गई। खून, मधुमेह, शुगर, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे आदि की जांच में 20% से 50% तक विशेष छूट दी गई। इस मौके पर डॉक्टर ए के श्रीवास्तव, डॉक्टर ओपी मिश्रा, डॉक्टर मानसी कुशवाहा, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे और गांव वालों ने स्टाफ की प्रशंसा की और मेडिकल क्षेत्र में गांव की जनता को जागरूक किया गया। क्या है, किस चीज का आप जो ये चेकअप वगैरह कर रहे हैं, किस संबंध में? जनरल फिजिशियन है, हम सभी कुछ देखते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं ये जो कैंप लगाया आपने, किस उस पे लगाया है, मतलब किस उद्देश्य से? ये नारायण हॉस्पिटल की तरफ से लगा है जी, जी इसके प्रचार प्रसार के लिए, लोगों को जानकारी हो। अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल हमारा क्या क्या देखता है, क्या क्या सुविधाएं हैं जी जी, और उसको उसका लाभ लोगों को सही मिल सके। जैसे चिकित्सा क्षेत्र में ज़्यादातर लोग मिसगाइड बहुत करते हैं जी जी, हैं और उसको परेशानी कुछ है या कुछ आ रहा है जी जी, सही एडवाइस नहीं मिल पाती जी मेडिकल में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि मेडिकल लाइन में सही एडवाइस मिल रहा है जी, बिल्कुल सही बात है। कुछ बताया कुछ जा रहा, दिया कुछ जा रहा है, और उससे क्या होता है कि पेशेंट की लुटाई भी होती है, ठगा भी जा रहा है, और उसका जो प्रॉपर जो उसको डिजीज है वो उसका समाधान नहीं होता। ठीक ठीक सर, लगभग कितने पेशेंट को देख चुके होंगे अभी तक आप, सुबह से अब तक जब से कैंप लगा है? करीब 100 पेशेंट देख चुके हैं। अच्छा अच्छा, किस चीज़ के ज़्यादा पेशेंट देखने को मिले हैं? ज़्यादातर सभी पेशेंट, सभी तरह के, जैसे कि टाइफाइड के पेशेंट हैं जी, और एब्डोमिन पेन, किसी को किसी को चेस्ट की प्रॉब्लम है, सभी है, सब कॉमन। मतलब ऐसा नहीं कि खाली एक ही चीज़ें देखेंगे। अच्छा अच्छा, कितने बजे तक कैंप चलेगा? 3 बजे तक चलेगा कैंप, 3 बजे तक। सर आपके पर्चे में लिखा CGHS और ESI की सुविधा, तो इसको किस तरह से दी जा रही है? जिनके पास कार्ड है, सुविधाएं हैं उनको। अच्छा अच्छा, इस योजना के अंतर्गत क्या क्या आता है, मतलब सरकारी तरफ से क्या है इसमें? सरकारी की तरफ से इसमें जैसे उसको सर्जिकल जितनी भी सेवाएं हैं जी, सारी सुविधाएं मिलती हैं, और सर्जिकल के अलावा जिस किसी उसको अगर कोई मेडिसिन देनी है, हम उसको जब एडमिट करेंगे तो सारी सुविधाएं देते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या इस तरह के कैंप आगे भी लगता रहेगा? हाँ, लगते रहेगा।